हेलो एवरीवन, माय सब्जेक्ट इज़ पैथोफिजियोलॉजी एंड टुडे टॉपिक इज़ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इट इज़ द सेकंड यूनिट ऑफ योर पैथोफिजियोलॉजी सिलेबस। ओके, अब फर्स्ट यूनिट पढ़ ली थी सेल इंजरी, सेकंड वाली जो आपकी थर्ड वाली थी पूरी वो पढ़ ली, गैस्ट्रो नर्वस और आपका एंडोक्राइन एंड आपके ब्लड डिसऑर्डर से वो पढ़ लिए। देन अब आपका सेकंड यूनिट पे हम आते हैं, वो आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इन शॉर्ट, देन फिर उसकी डिसीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मतलब कार्डिक मीन्स हार्ट, हार्ट में जितना जो भी आपका हार्ट का एनाटॉमी है, स्ट्रक्चर है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। दी हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन एंड इट इज़ लोकेटेड इन दी चेस्ट बिटवीन दी लंग्स बिहाइंड दी स्टर्नम एंड अबव दी डायफ्राम। ये क्या है, हमारा जो है वो हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, वो मसल से मिलके बना है। ठीक है, एंड ये कहाँ पे आपका लोकेटेड होता है, चेस्ट, जो आपका लंग्स वाला पोर्शन है, लंग्स में भी आपका जो लेफ्ट वाला लंग्स का पोर्शन है। ठीक है, उसके साथ उसके जो आपका डायफ्राम से जस्ट ऊपर, ठीक है, डायफ्राम जो है आपका उससे जस्ट ऊपर, वहाँ पे आपका लोकेटेड है हार्ट। ओके, हार्ट इज़ अ पंप विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग एडुकेट सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड अराउंड दी वस्कुलर नेटवर्क ऑफ दी बॉडी। हार्ट क्या है आपका, हार्ट एक पंप है। ठीक है, आपका मस्कुलर ऑर्गन है जो कि आपका रेस्पॉन्सिबल होता है ब्लड को पंप करने के लिए। ब्लड को पंप करने के लिए मीन्स आपकी बॉडी में पूरा सर्कुलेशन, आपका जो ब्लड का पूरा सर्कुलेशन है वो किसकी वजह से होता है, वो पूरा हार्ट की वजह से होता है। हार्ट उसको रेगुलेट करता है, मीन्स उसका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आपका, वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी ऑल ओवर दी बॉडी ट्रांसफर होता है थ्रू दी डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ दी हार्ट। अब कंपोनेंट्स में आपके आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरी, ये सब आएंगे। ठीक है, देन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका हार्ट तक जाता है, फिर वो ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट होता है, ये पूरा सर्कुलेशन सिस्टम चलता रहता है। ब्लड की वजह से ही हमारे जो पूरा आपका फिजियोलॉजिकल एक्शन है वो होता है, क्योंकि आपके जो सेल्स हैं वो नरिशमेंट और ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, वो आपके ब्लड से लेते हैं। और ब्लड को कौन रेगुलेट करता है, कौन सर्कुलेट करता है, होल ओवर दी बॉडी, हार्ट। तो हार्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी। ओके, इट मेंटेन दी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड दैट इज ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, ये मेंटेन करता है पूरा सर्कुलेशन की ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करता है, देन ये पूरा सर्कुलेशन आपका चलता रहता है। अब आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो आती है कंपोनेंट ऑफ दी हार्ट, हार्ट के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अब हर सिस्टम में अपने अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो हार्ट के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, फर्स्ट वन है आर्टरीज, जो कि रेस्पॉन्सिबल होती हैं, इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू दी ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, ऑल पार्ट ऑफ द ऑर्गन्स। मतलब क्या है, आपका जो हार्ट से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ले जाती है और बॉडी के और पार्ट्स तक, वो कौन, वो उनका आर्टरीज का वो वर्क होता है। ठीक है, देन आपका आता है सेकेंड वन वेन्स, इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दी बॉडी ऑर्गन्स टू दी हार्ट। अब हार्ट तक जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, जिसको कि हार्ट जो है बाद में ऑक्सीजनेटेड करेगा, तो बॉडी पार्ट से हार्ट तक लाने का काम कौन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का किसका है, वो आपका वेन्स का है। देन फिर आपका आता है कैपिलरीज। ठीक है, दे कनेक्ट दी आर्टरीज एंड वेन, ये आपकी आर्टरीज और वेन्स को एक ज्वाइन करती है। ठीक है, जिसके लिए क्या होता है, जिसकी वजह से जो आपका वाटर का एक्सचेंज है, ऑक्सीजन का, CO2 का, न्यूट्रिशन का एंड केमिकल सब्सटेंस का, उनका एक्सचेंज हो जाता है। तो ये थ्री आपके मेन कंपोनेंट्स हैं आपकी हार्ट के। इन ब्रीफ में इसलिए डिस्कस नहीं कर रही, क्योंकि ये वाला पोर्शन आप एनाटॉमी में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ डिसीज़ आपको बतानी है, आपको डिसीज़ के बारे में ज़्यादा फोकस करना है। तो डिसीज़ की वजह से वो किस पर्टिकुलर पोर्शन में हो रही है, कौन सा पर्टिकुलर पोर्शन रेस्पॉन्सिबल है, उनके लिए हम इन शॉर्ट इनकी कार्डिक वास्कुलर सिस्टम की एनाटॉमी पढ़ेंगे। ओके, अब आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है, वो आती है एनाटॉमी ऑफ हार्ट। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ हार्ट में पेरिकार्डियम, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, ये आपकी लेयर्स हैं हार्ट की। ठीक है, तो फर्स्ट वन हम डिस्कस करेंगे पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या है, पेरिकार्डियम आपकी ऐसी मेम्ब्रेन है
जो कि आपकी पेरिकार्डियम, जो आपकी पेरिकार्डियम कैविटी है उसको बनाती है। अब क्या है, हार्ट आपका, जो आपका हार्ट है वो एक कैविटी में रहता है, मतलब कैविटी में लोकेटेड रहता है, ठीक है, उसके आसपास कैविटी होती है, वो कैविटी आपकी कहलाती है पेरिकार्डियम कैविटी, ठीक है। अब वो पेरिकार्डियम कैविटी किससे मिलके बनती है, वो पेरिकार्डियम कैविटी आपकी पेरिकार्डियम मसल्स से मिलके बनती है, ठीक है। ये वाली जो लेयर्स हैं वो उस कैविटी को बनाती है जिसके अंदर आपका हार्ट रहता है, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो पेरिकार्डियम जो कैविटी है और ये जो मसल्स हैं, ये क्या करती है, एक स्रोत से फ्लूइड रिलीज करती है, एक स्रोत से फ्लूइड आपका प्रोड्यूस करती हैं, जिससे क्या होता है कि आपका जो हार्ट है ना उसमें उसको लुब्रिकेंट प्रोवाइड करता है। अब लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, लुब्रिकेंट्स आपके वो होते हैं जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, फ्रिक्शन मतलब कि टकराव, जो फ्रिक्शन होता है उसको रिड्यूस करते हैं। अब जैसे हार्ट बीट कर रहा है, हार्ट नॉन स्टॉपेबल बीट करता है, बट आपका बॉडी का वही पार्ट है जो विदाउट रेस्ट वर्क करता है, ठीक है। तो क्या है, तब हार्ट आपका बीट करेगा, एवरी बीट पे बीट होती रहती है, देन फिर क्या है, उसमें फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए लुब्रिकेंट प्रोवाइड कौन सा करता है, पेरिकार्डियम कैविटी के अंदर जो पेरिकार्डियम मसल्स है वो एक फ्लूइड प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से आपके जो हार्ट में फ्रिक्शन नहीं होता है, वो फ्रिक्शन को होने से रोकती है हार्ट में एवरी बीट पे, ठीक है। तो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट of the anatomy of your heart, okay? Then फिर आता है आपका epicardium. Then आपका आता है epicardium. Epicardium it is the outermost layer of the heart, ठीक है, जो आपकी heart की सबसे outer, उस cavity के अलावा जो outermost layer होती है वो आपकी है epicardium, ठीक है। Epicardium में क्या होता है कि ये भी आपका lubricants होने से बचाती है, मतलब heart में lubricant को, मतलब heart में friction होने से आपको बचाती है, lubricant provide करती है, ठीक है, लुब्रिकेशन का वर्क होता है इसका मेनली। लेकिन सेकंड वन है आपकी मायोकार्डियम, इट इज़ द मिडिल लेयर ऑफ योर हार्ट, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि इसमें जो मायोकार्डियम जो सेल्स हैं, ठीक है, वो आपके रेस्पॉन्सिबल होते हैं हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्शन और हार्ट रिलैक्सेशन उस प्रोसेस में होता है जब आपका हार्ट जो है पंप करता है ब्लड को, तो मायोकार्डियम जो है वो हार्ट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, मायोकार्डियम जो सेल्स हैं वो हार्ट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से वो हेल्पफुल होते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में। देन लास्ट वन है आपका एंडोकार्डियम, ये आपकी स्क्विमस एंडोथेलियल सेल्स की लेयर होती है, जो कि आपकी लास्ट लेयर होती है। और ये क्या करती है कि जब आपका ब्लड जो है वो पंप हो रहा होता है, पंप होने के बाद जब वो जाता है आपके होल ओवर दी बॉडी, मतलब सर्कुलेट होता है, तो उसको स्टिक होने से बचाती है, मतलब ब्लड को स्टिक नहीं होने देती, ये इसका मेन वर्क है इस लेयर्स का। तो इन शॉर्ट हमारे पास आपकी ये फोर लेयर्स हैं एनाटॉमी ऑफ हार्ट में। पेरिकार्डियम जो कि आपकी कैविटी प्रोवाइड करती है जिसके अंदर हार्ट रहता है, जैसे कि सेम एज आपका ब्रेन स्कल से कवर होता है, सेम आपका पेरिकार्डियम कैविटी से आपका हार्ट कवर होता है, जो कि हार्ट को प्रोवाइड कर दिया आपका लुब्रिकेंट पोर्शन। एपिकार्डियम आपकी आउटर मोस्ट लेयर होती है, मायोकार्डियम मिडिल लेयर होती है, एंडोकार्डियम आपकी लास्ट लेयर होती है। तो ये मेन है आपकी लेयर्स है एनाटॉमी ऑफ और हार्ट की।